अटैक करते हैं पत्थरों से, लाठियों से, रोड़ों से, और यहाँ तक ही नहीं, वो हमारी महिला साथियों को रेप करने तक की धमकी देते हैं। जब तक एक पुलिस गिरफ्तारी नहीं करेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम यहाँ पे धरना देते रहेंगे, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। इसलिए कर रहे हैं कि पिछले 5-6 दिन से हम एक कैंपेन कर रहे थे, प्रोफेसर जीएन साई बाबा और उनके जितने साथी जेल में बंद हैं, जिनको गलत तरीके से जेल में बंद करके रखा गया है। साई बाबा जो 90% हैंडीकैप्ड है, वो इतना हैंडीकैप्ड है कि वो वॉशरूम तक खुद नहीं जा सकते, उनको इस सरकार ने, दमनकारी सरकार ने जेल में डाल रखा है, ये बोलकर कि उनका दिमाग बहुत खतरनाक है। उनके लिए हम एक प्रोग्राम कर रहे थे 5 दिसंबर को, जो अभी भी हो रहा है सुरजीत भवन पे, उसके लिए हम पूरे दिल्ली में एक मुहिम चला रहे थे, कैंपेन चला रहे थे। कल जब हम इस आर्टिकल्टी में आते हैं तो हम यहाँ पे कैंपेन करते हुए पटेल चेस्ट तक जाते हैं, वहाँ पे जब हमारे साथी बैठे होते हैं निहत्थे बिल्कुल, उनके ऊपर एबीवीपी के 40-50 गुंडे आकर अटैक करते हैं पत्थरों से, लाठियों से, रोड़ों से, और यहाँ तक ही नहीं, वो हमारी महिला साथियों को रेप करने तक की धमकी देते हैं, जातिवादी गालियां देते हैं, और उसके बाद भी पुलिस के सामने तक हमको मारने की धमकी देते हैं। बोलते हैं कि इन लोगों को बचा सकते हो तो बचा लो, हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही हम इनको मारेंगे। तो इनको हम बता देना चाहते हैं कि तुम अगर कुछ हो, कुछ लोग हो, तो हम भी हैं, तुम हमको हर बार मार नहीं सकते, हम खड़े हैं, हम तैयार हैं, अगर तुम गुंडागर्दी करोगे तो हमको जवाब देना आता है, हम तुमको जवाब देंगे। और कल भी हमारे साथियों ने जवाब दिया, इसीलिए इनका बचाव हुआ। सिर्फ 10 लोग 40 लोगों का सामना किए और वहाँ से बच के निकले, कुछ चोटें ही हमको आई, नहीं तो ये लोग किस हद तक जाते हमको पता नहीं था। और आज भी हम ये बोलते हैं कि हम अगर ये अटैक करेंगे तो हम डटकर मुकाबला करेंगे और पूरा जवाब देंगे, हम तैयार हैं एकदम। और ये हम चेतावनी देना चाहते हैं कि कैंपेन हमारा जो चल रहा है वो ऐसे चलता रहेगा, साईं बाबा को मांग कर रिहा करने की जो मांग है वो इससे हमारी और तेज होगी। अगर इनको लगता है कि ये इनको ये दबा देंगे, साईं बाबा को ये जेल में रख देंगे, कुछ स्टूडेंट्स को पीट के ये चुप करा देंगे, इनको ये अब समझ जाना चाहिए कि जो 10 स्टूडेंट्स को कल इन्होंने पीटा था, आज वो 100 लोग खड़े हैं, आज अगर 100 लोग के ऊपर अटैक करता है तो कल 1000 लोग आएंगे, 1000 के 10000 बनेंगे और ये जुड़ते जाएंगे, ये समझ लेना चाहिए। ये भाड़े के गुंडे एक बोतल शराब के ऊपर, कुछ चंद पैसों के ऊपर तो आ सकते हैं, पर हमारी तरह लड़ नहीं सकते, ये नहीं जानते हम कैसे लड़ते हैं। हमको लड़ना आता है, हम असूलों के लिए लड़ते हैं, ये दारू की बोतलों के लिए, पैसे के लिए नहीं लड़ते हैं, हम अपना राजनीति के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे और जवाब देते रहेंगे। इसके लिए आज जो बहुत सारे साथी, कुछ प्रोफेसर जी भी हमारे साथ आए हैं, क्योंकि जीएन साई बाबा भी डीयू के प्रोफेसर हैं, उनके लिए हम लगातार आवाज़ उठाते आए हैं, यहाँ का फैकल्टी, डीयू का फैकल्टी लगातार आवाज़ उठाता रहा है, तो मीडिया कर्मी भी हमारे साथ हैं, तो मैं उन प्रोफेसर से कहूँगा और हमारे साथियों से कहूँगा कि अपना बात रखें और इस गुंडागर्दी को हमको जड़ से ख़त्म करना होगा, इस कैंपस से, इन गुंडों को इस कैंपस से बाहर धकेलना होगा, और उसका तरीका एक ही है कि इनका सामना करना होगा। हम डिमांड कर रहे हैं कि जब बॉम्बे हाई कोर्ट ये बात कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल भी केस का मेरिट्स के ऊपर बात नहीं हुआ है, वो क्या वो केस स्टैंड कर सकता है या नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल नहीं हुआ है। सिर्फ ये बात हुआ है कि साईं बाबा खतरनाक है, वो बहुत एंटी नेशनल एलिमेंट है, इसीलिए उनको जेल में रखना है, बिल्कुल भी केस के ऊपर बात नहीं हुआ है, और ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है जो हम मांग रहे थे। दूसरा बात ये है कि ये जो अटैक हुआ है इसके ऊपर हमारा एक मांग है, हमने FIR दर्ज करवाया है पुलिस थाने में, और हम चाहते हैं कि जो ABVP के गुंडे हैं, हमने उनके नाम भी बताए हैं, उनका गिरफ्तारी चाहते हैं हम तुरंत, और जब तक एक पुलिस गिरफ्तारी नहीं करेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम यहाँ पे धरना देते रहेंगे, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। तो हमारा मांग है कि तुरंत उनका गिरफ्तारी होना चाहिए। मैं बादल हूँ, मैं भगत सिंह छात्र एकता मंच से हूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, पिछले 5 दिनों से हम लोग लगातार कैंपेन कर रहे हैं, हम जीएन साई बाबा की आवाज़ क्यों उठा रहे हैं,
क्योंकि वो हमारे लिए लड़ रहे थे, आदिवासियों के लिए लड़ रहे थे, और इस फैशिस्ट ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फैशिज्म के अगेंस्ट लड़ रहे थे। और हम, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी लड़े। ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स या चंद लोगों या चंद एक्टिविस्ट की जिम्मेदारी नहीं है, यह हर स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि हम इस फैशिस्ट स्टेट के खिलाफ लड़े। 5 दिसंबर को ITO सुरजीत भवन में हमारा प्रोग्राम है GN साई बाबा के लिए, उसमें कई सारे स्पीकर आएंगे। बट हम जैसे कैंपेन कर रहे थे, आप लोगों ने सब ने देखा कि ABBV के 40 से 50 गुंडे, उनको गुंडे कहेंगे, उनको एंटी सोशल एलिमेंट्स कहेंगे। जो एक्टिविस्ट है वो एंटी सोशल एलिमेंट्स नहीं है, बल्कि ये ABBP एंटी सोशल एलिमेंट है, BJP एंटी सोशल एलिमेंट है। 40 से 50 गुंडे आते हैं, हमारी महिला साथियों को रेप थ्रेट्स देते हैं, जातिवादी स्लर्स बोलते हैं। यही तक नहीं सीमित, उन्होंने ब्रिक्स फेंके हैं, रॉड से मारा है, डंडियों से मारा है। जब तक, और ये नहीं था कि हम डट कर लड़े नहीं, हम लड़े, मगर वो गुंडे हैं, उनके पास वो एक सेकंड में जीप भर के अपने लोगों को लेके आए थे। कुछ काम तो होता नहीं उनके पास, यही करते। दूसरी बात ये है कि जैसे हमने देखा कि GN साई बाबा को ये बोला गया, उनका माइंड डेंजरस है। हम सब DU के छात्र हैं, हम यहाँ पे पढ़ने क्यों आते हैं? ताकि हम भी इंटेलेक्चुअल बने, इंटेलेक्चुअल बन के हम भी क्वेश्चन करें। बट अगर हम थोड़ा सा भी क्वेश्चन कर लें, NEP के अगेंस्ट क्वेश्चन कर लें कि हमारी फी क्यों बढ़ रही है, तो हमारा भी माइंड डेंजरस हो जाएगा। अगर कोई मजदूर क्वेश्चन कर ले, उसका भी माइंड डेंजरस हो जाएगा। ये हमारी जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, बिगेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं इंडिया को, वो सब झूठ है। यहाँ तक कि हमारे क्रिटिकल थिंकिंग पे रोक दिया गया है, पहले हम बोल नहीं सकते हैं। हर एक जर्नलिस्ट को डाल रहे हैं वो जेल में, कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हर एक जर्नलिस्ट को जेल में डाल रहे। कहाँ नहीं छोड़ा है फ्री स्पीच? क्यों बनाया है दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म अगर तुम फ्री स्पीच नहीं चाहते हो इंडिया में? क्यों बनाया है वो मॉडल जिसकी फी 80,000 रुपीज है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हम बच्चे 80,000 रुपीज क्यों देंगे? बिल्डिंग भी नहीं है हमारी। क्यों बना रहे हो जर्नलिज्म अगर तुम्हें चाहिए ही नहीं? अगर रुपेश कुमार को जेल में डालना है, तो अगर सारे जर्नलिस्ट को जेल में डालना है, वो क्यों घटिया मॉडल बनाया है ताकि हम संगीत जर्नलिस्ट पैदा करें जो ABBV के हमारे पे मारे? क्या हमें ये यूनिवर्सिटी चाहिए साथियों? हमें ऐसी जगह पे पढ़ना है क्या जो हमें ना तो क्रिटिकली सोचने देगी? हमारे प्रोफेसर संगी हो रहे, हर चीज संगीत, हर चीज फैशिज्म पे ढल रहा है। ये टाइम है हम लड़े, हम GN साई बाबा के लिए कैंपेन करें, सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए कैंपेन करें, NEP के अगेंस्ट उठे, लेबर कोर्ट के अगेंस्ट उठे। ये टाइम है हम ऑपरेशन समाधान के अगेंस्ट बात करें, यही टाइम है हम बात करें इस हिंदुत्व फैशिज्म के अगेंस्ट, यही टाइम है हम लड़े। आवाज दिल्ली से उठनी चाहिए, आप सबको कैंपेन में आना चाहिए। आज मेरे को लगी है, कल आपको भी लगेगी। ये कॉल है कि हम एकजुट हो, ये कॉल है हम उनके खिलाफ लड़े। मैं तमाम सारे लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, और वो मैसेज कॉमरेड बादल के माध्यम से गया भी है कि तुम हमारे सर फोड़ सकते हो, तुम हमारे पांव तोड़ सकते हो, लेकिन तुम हमें सोचने से नहीं रोक सकते हो, तुम हमें सही बोलने से नहीं रोक सकते हो, तुम हमें इन फासिस्ट सरकार के खिलाफ लड़ने से नहीं रोक सकते हो। दोस्तों, हम देखते हैं कि इस कैंपस का, दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस का एक पूरा लंबा ट्रेंड है, जिसमें हम लोग कैंपस में कुछ भी प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं तो ABBP आ जाता है। आप बाहर प्रोटेस्ट करिएगा 4 नंबर गेट पे तो दिल्ली पुलिस आ जाती है। दोस्तों, आखिर कैंपस है क्या? कैंपस क्यों बना था और कैंपस क्या है? क्या कैंपस में BJP के अगेंस्ट में कोई विचारधारा रखने वाला व्यक्ति रह सकता है कि नहीं रह सकता है? कैंपस क्यों है? हमने क्लासों में सीखा है, हमने स्टडी सर्कल में सीखा है कि कैंपस एक डिबेट, विचार और विमर्श का माहौल होता है, जिसमें आप कोई भी आइडियाज रख सकते हैं, सोच सकते हैं, बातें कर सकते हैं। लेकिन आज यह सरकारें, आज यह पुलिस प्रशासन, आज यह दिल्ली विश्वविद्यालय का VC प्रोक्टर और तमाम सारे लोग ये हमें सोचने से रोकना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं।
वो सिर्फ जीएन साईं बाबा की लड़ाई नहीं है, आप एनईपी के खिलाफ लड़िए, आप फीस वृद्धि के खिलाफ लड़िए, आप तमाम सारे ऐसे मुद्दों के खिलाफ लड़िए जो कि बीजेपी आरएसएस लगातार अटैक कर रही है। इन तमाम सारी चीजों के खिलाफ जब आप लड़ते हैं तो यह पुलिस और संघ का एक साथ हम लोगों पे अटैक होता है। दोस्तों, हम इस बातचीत के क्रम में साथी एहतमाम को बुलाना चाहते हैं, जो साथी एहतमाम कल हमारे कैंपेन में थे, कल वो कैंपेन कर रहे थे और उन पे भी अटैक हुआ है। वो साथी एहतमाम यहाँ है, वो लोग मुझे उन्हें डंडों से मारा था, मेरे को डंडों से मारा था, मैं रोड पे गिर गया था, उसकी भी रगड़ लगी है साथ में। हम लोग कैंपेन कर रहे थे, हम लोग चाय पी रहे थे, तभी एक गाड़ी आई, उसमें काफ़ी सारे लोग आए और उन्हें वहाँ से डंडे और लाठियाँ और कुछ पत्थर लेकर हम पर हमला किया। पहले पत्थर फेंके गए, फिर लाठी से, हम लोगों ने सोचा हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए अभी, तो हम लोग निकल रहे थे तो हमारे पीछे लाठियाँ लेकर आए और उन्होंने हम पर फिर हमला किया। मैं भगत सिंह छात्र एकता मंच से हूँ, भगत सिंह छात्र एकता मंच CASR जो कैंपेन अगेंस्ट स्टेट डिप्रेशन है उसका एक पार्ट है, और हम जीएन साईं बाबा के अकुटल को अपहोल्ड करने के लिए एक प्रोग्राम रख रहे हैं 5 तारीख को HKS ITO मेट्रो स्टेशन के पास। उसके लिए हम कैंपेन कर रहे थे कि लोगों को, क्योंकि जीएन साईं बाबा जो DU के ही प्रोफेसर हैं इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है DU में, इसलिए हम चाहते थे कि स्टूडेंट्स इस चीज़ पर बात करें और ये मीडिया में जाए और लोगों को पता चले, और इसीलिए हमने ये कैंपेन रखी थी जिससे कि लोग वहाँ आए और इस प्रोग्राम में शिरकत करें। जैसे कल हम पर मौर्य स्थल पुलिस थाने के सामने हमला हुआ है, मेरे को लग रहा है हमें बोलने की फ्रीडम तो नहीं दी जा रही है बिल्कुल भी। थाने के सामने उन्होंने पथराव किया, एक पत्थर पुलिस की गाड़ी को भी लगाया और पुलिस वाले अंदर भाग गए, और ये सब देखते हुए हम सोच रहे हैं कि जो पुलिस है वो उन गुंडों के साथ मिली हुई है। हॉस्पिटल में भी उसने पुलिस वालों को बोला कि हम इन्हें बाहर देख लेंगे, इन्हें बाहर जाने दो, और पुलिस वाले चुपचाप खड़े रहे। जब हमने बोला कि हमें FIR करानी है तो पुलिस वालों ने कहा तो पुलिस को कॉल कर लो, पुलिस वाले खुद ये बोल रहे थे, तो हमें उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हाँ, तो उनके संस्कार दिख रहे हैं, वो डंडे लेकर जब आ रहे हैं और महिलाओं को रेप थ्रेट्स दे रहे हैं, उनको जातिवादी गालियां दे रहे हैं, एंटी वुमेन गालियां दे रहे हैं और पत्थर फेंक रहे हैं, एक महिला पर पत्थर फेंक रहे हैं और गाली देते हैं वैसे काम कर रहे हैं, तो ये कोई संस्कारी बात नहीं है। ये कपड़ों से पहचानने वाली बात पहले मेरे साथ सही नहीं है, लेकिन अगर कपड़ों से पहचान लेते और वो अगर हम लोग को आतंकवादी बोल रहे हैं, उनको इसलिए गिरफ्तार नहीं कर क्योंकि मिले हुए उनके साथ, तो इनके कपड़े खुद के कपड़े वो कपड़े होंगे अगर आप जो जैसे बोल रहे हैं। हाँ, लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। अगर मॉरिस नगर पुलिस थाने के सामने एक नॉर्मल कैंपेन जिसमें हम कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक बोल नहीं रहे थे, हम सिर्फ एक पर्चा बांट रहे थे जिसपे हम एक प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे, उस पर हमला होता है और पुलिस तक नहीं आती है, तो कोई लोकतंत्र कहाँ से मजबूत हो रहा है।